अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज का लेसन है लेसन नंबर 7, इंग्लिश 301 का। ये 7th लेक्चर है बिजनेस कम्युनिकेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास जो आउटलाइंस हैं वो है स्पेस, आर्टिफैक्ट्स एंड एनवायरनमेंट। डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो किस किस तरह हो सकती है, तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, स्पेस से, आर्टिफैक्ट से और एनवायरनमेंट से। टाइप्स कौन सी है इसकी? वोकल कैरेक्टराइजेशन, यानी कि थ्रू वोकल हम किस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, थ्रू लाफिंग, क्राइंग, साइंग, जॉइंग, क्लियरिंग द थ्रॉट, ग्रोनिंग, येलिंग, विस्परिंग, यानी कि ये सब जो हमारे पास हैं एग्जांपल्स हैं किसकी, वोकल कैरेक्टराइजेशन की। यानी कि अगर हम इफ वी आर लाफिंग, इस तरह लोगों जो सामने वाला जिसके साथ हम बात कर रहे हैं उसे समझ आ जाएगी कि मतलब आप जो है वो किस मूड में। अगर आप रो रहे हैं तो आप सैड, अगर आप हंस रहे हैं तो आप खुश हैं, ठीक है। तो हमारा जो मैसेज है या जो हमारी फीलिंग्स या जो इमोशंस हैं वो कम्युनिकेट हो जाएंगे दूसरे इंसान तक। वोकल क्वालिफायर्स, इंटेंसिटी होगी इसमें वोकल क्वालिफायर्स में कि हमारा जो लहजा है या फिर हमारी साउंड है वो लाउड है या सॉफ्ट है। उसके बाद पिच हाइट होगी, पिच हाइट हमारी हाई है या लो है, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि जो इंसान आपसे कम्युनिकेट कर रहा है वो इस वक्त किस मूड में है, ठीक है। वोकल सेग्रीगेट साउंड सच एज साइलेंट पॉजेस, ये वो चीजें हैं, कुछ पॉजेस लेते हैं या फिर हम जस्ट कोई वर्ड नहीं बोलते या फिर कोई इमोशन शो नहीं करते, जस्ट इस तरह से किसी चीज को कर देते हैं कि कोई चीज जो हमें बुरी लग रही होती है तो इस तरह से जो साइलेंट पॉजेस होते हैं इनको कहते हैं वोकल सेग्रीगेट्स। सो सबसे पहले हमारे पास है स्पेस, यानी प्रॉक्सिमिटी। Proximity means nearness in term of physical space, that is how people use their personal space and that of other communicates a message. ठीक है, किस तरह से लोग जो है कितनी स्पेस रखते हैं, किस रिलेशन में कितनी स्पेस रखते हैं। This response to special relationship in formal, informal and intimate setting indicates how that person perceives and feels in this space. के देखिए, हम किसी से बात करते हुए थोड़ी स्पेस रखते हैं। अब फॉर्मल लोगों में कितनी स्पेस रखी जाती है या इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में कितनी स्पेस रखी जाती है, और जो हमारे इंटीमेट सेटिंग्स होती हैं उनमें हम क्या करते हैं कि उनमें हम काफी क्लोज होते हैं, वहां हम स्पेस नहीं रखते। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है अमेरिकन की। रिसर्च हैज शोन दैट ऑस्ट्रेलियन की ऑस्ट्रेलियन स्पीकिंग अक्वेंटेंस और वर्क प्लेस कोलीग्स लीव अबाउट एन आर्म्स लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन देमसेल्व्स एंड द अदर पर्सन, ठीक है। अब एक तकरीबन वो एक बाजू जितना फासला जो है वो रखते हैं खुद में और जिससे वो बात कर रहे होते हैं या जिससे वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उस इंसान में। अब ये जो पर्सनल स्पेस होती है ये वेरी करती है थ्रू जेंडर, स्टेटस, रोल्स और कल्चर। यानी कि दो जेंडर कौन से हैं, अगर दो मेल बात कर रहे हैं तो उनमें कितना स्पेस होगी, अगर मेल और फीमेल बात कर रहे हैं तो उनमें जो है स्पेस कितनी होगी, प्रॉक्सिमिटी जो है वो किस कदर होगी। फिर उसके बाद स्टेटस जो है वो आपको बताता है कि आपने कितनी स्पेस रखनी है। टीचर और स्टूडेंट का स्टेटस है, जाहिर है उनके स्टेटस में फर्क है तो वो कितनी स्पेस आपस में रखें, या फिर दो अगर एक कोलीग्स बात कर रहे हैं उनका स्टेटस सेम है तो वो कितनी स्पेस रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रोल्स वेरी करते हैं इस चीज में, किसका क्या रोल है, ठीक है। मदर डॉटर का क्या रोल है, टीचर स्टूडेंट का रोल है, या फिर आपस में दो कोलीग्स हैं इस तरह से उनका जो रोल है तो वो उन्होंने किस कदर स्पेस रखनी है अपने रिलेशनशिप में या फिर कम्युनिकेशन के वक्त। उसके बाद कल्चर वेरी करता है, किस कल्चर में, हर कल्चर में अलग अलग इसके एस्पेक्ट्स होते हैं। कुछ कल्चर जो है वो स्पेस ज्यादा रखते हैं, या कुछ कल्चर ऐसे हैं जहाँ पे कुछ रिलेशंस में स्पेस जो है वो ज्यादा रखते हैं कुछ कल्चर्स, और कुछ कल्चर्स जो होते हैं उनमें वो इंटीमेसी शो करते हैं, ठीक है। रिसर्च हैज शोन दैट ऑस्ट्रेलियन पीपल, अब ऑस्ट्रेलियन पीपल जो है वो हमने पढ़ा है कि एक बाजू की जो है वो रखते हैं स्पेस आपस में। पीपल स्पीकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली लीव अबाउट हाफ एन आर्म और एन एल्बोज लेंथ बिटवीन देमसेल्व्स एंड अदर, ठीक है। अब अपनी फैमिली से और फ्रेंड्स से अगर वो बात करते हैं तो फिर क्या करते हैं कि हाफ एन आर्म, ठीक है, एक एल्बो जितनी जो स्पेस है वो रखते हैं
पीपल इंटीमेट रिलेशनशिप अलाउ डायरेक्ट और क्लोज कॉन्टेक्ट व्हेन स्पीकिंग टू ईच अदर. अब जो देखें इंटीमेसी जो है वो सबसे ज्यादा है, तो उनमें क्या करते हैं वहां वो स्पेस नहीं रखते हैं, वो लोगों को अलाउ करते हैं अपने जो इंटीमेट रिलेशन है उनको कि वो उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें या क्लोज कॉन्टेक्ट करें. द यूज ऑफ स्पेस रिफ्लेक्ट्स द वे पीपल फील अबाउट अदर्स. अमेरिकन कीप एन अ डिस्टेंस ऑफ 18 इंच फ्रॉम अदर पर्सन ड्यूरिंग फॉर्मल कॉन्वर्सेशन. देखें अब जो 18 इंच जो है वो रखते हैं अपना फासला अमेरिकन जो है किसी से भी कोई भी फॉर्मल कन्वर्सेशन हो तो वहाँ एक रूल है कि 18 इंच का जो है वो फासला रखते हैं, डिस्टेंस रखते हैं. अब आर्टिफैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे स्पेस की बात हुई थी कि कौन किस कदर स्पेस से पता चलेगा कि इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो ये रिलेशनशिप है, यानी कि इससे पता चल जाता है कि दो इंसान जो आपस में बात कर रहे हैं वो इंटीमेट हैं या फिर वो फॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं या कोई इनफॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं. अब कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं हमारे पास जिनसे भी पता चल जाता है कि जो इंसान आपसे कम्युनिकेट कर रहा है वो क्या कहना चाह रहा है या फिर उसका नॉन वर्बल मैसेज कौन सा है जो वो कन्वे करना चाहता है. आर्टिफैक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू कन्वे नॉन वर्बल मैसेजेस अबाउट सेल्फ कॉन्सेप्ट, इमेज, मूड, फीलिंग और स्टाइल. फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम, क्लॉथ, लिपस्टिक, ग्लासेस एंड हेयर पिंस प्रोजेक्ट द स्टाइल और मूड ऑफ द वियरर. ठीक है, जिस इंसान का हम कहते हैं ना कि पहनावा देख के पता चल जाता है कि ये इंसान कैसा है या फिर इस वक्त वो किस मूड में है. अगर उसने ग्लासेस वगैरह लगाए हैं, डार्क लिपस्टिक्स वगैरह और ये वो सारे क्या हुआ है तो जाहिर है पता चल रहा है कि वो इंसान जो है वो थोड़ा चंचल है ये वो. अगर उसने ये सब कुछ नहीं किया हुआ, खुद को थोड़ा सिंपल रखा हुआ है तो उससे पता चल जाता है कि ये सिंपल इंसान है या फिर आजिज है. इट्स मैनी आर्टिफैक्ट्स आर कॉमन टू द ग्रुप बट वी आल्सो यूज आर्टिफैक्ट्स पर्टिकुलरली क्लॉथिंग एज एन इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, appearance and cloth are important, a highly visible part of non-verbal communication. Consider the difference between clothes to wear at home to the beach. इस तरह से क्या होता है कि हम जो अपनी अपेयरेंस है वो चेंज करते हैं किसी भी जगह पे. ठीक है, हम थोड़ा विजिबल करना चाहते हैं कि हम इस वक्त जो है वो हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं. हाँ, अगर हमने कोई होम ड्रेस पहना हुआ है तो क्या इससे हमारा जो शो हो रहा होता है कि हम जो है एक कैजुअल मूड में है या फिर कैजुअल रूटीन में है अपनी. ठीक है, अगर हम किसी फॉर्मल प्लेस पे जाते हैं तो कोई फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं. ठीक है, इस तरह से उसने डिफरेंट प्लेसेस बताई हैं कि अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप किस तरह की ड्रेसिंग करके जाते हैं, जाहिर है वो एक फॉर्मल ड्रेसिंग होती है. द चॉइस ऑफ क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट्स योर मूड एंड योर एटीट्यूड टू द ओकेजन. ठीक है, ओकेजन को ये शो करती है कि किस ओकेजन पे आप जो है किस कदर जो है वो रिलेटेड ड्रेसिंग करते हैं, यानी कि फॉर्मल माहौल में फॉर्मल और इनफॉर्मल माहौल में इनफॉर्मल ड्रेसिंग से. अदर पीपल नोट एंड प्लेस देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ योर ड्रेस. ठीक है, लोग जो है वो इंटरप्रेट करते हैं अगर आप चाहते हैं या नहीं भी चाहते. अगर आप कोई अच्छी ड्रेसिंग वगैरह करके जाते हैं तो लोग जो है आपस में इंटरप्रिटेशन करते हैं आपके ड्रेस के बारे में कि इस कदर अच्छा है या नहीं अच्छा. और अगर आप उसको छुपाना चाहते हैं या फिर किसी ओकेजन के खिलाफ आप जाते हैं, यानी कि सब लोग वहाँ फैंसी ड्रेसेस वगैरह पहने हुए हैं और आप थोड़ा सा सिंपल जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग जो है इंटरप्रिटेशन तो वो देंगे, वो इंटरप्रिटेशन ये दे देंगे कि आप जो है वो इस ओकेजन को लाइक नहीं कर रहे या फिर इससे जो है एंटरटेन नहीं हो रहे इस तरह से. एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं. अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर दिस रीजन ऑर्गेनाइजेशंस गिव केयरफुल कंसीडरेशन टू ऑफिस स्पेस, फैक्ट्री लेआउट, द सेल्स एरिया एंड कॉन्फ्रेंस वेन्यूज. ठीक है, अब कॉन्फ्रेंस वेन्यूज में जो है वो कुछ फैक्टर्स होते हैं. एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो होते हैं कि किस फैक्ट्री में, किस कंपनी में, किस ऑर्गेनाइजेशन में किस कदर क्या माहौल है, क्या एनवायरमेंट है, लोगों का क्या कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, उनके बिहेवियर्स वगैरह क्या है. ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं कम्युनिकेशन में. ठीक है, जैसा कि कर्टन इंस्टिंक्ट सच एज द डिजायर फॉर प्राइवेसी, फैमिलियरिटी एंड सिक्योरिटी नीड टू बी सेटिस्फाइड. देखें एक किसी भी एनवायरनमेंट से हमें पता चल जाता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है. किसी बिल्डिंग को देख के उसके बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के टेस्ट का जैसे पता चल जाता है. ठीक है, जो कर्टन्स हैं वो क्या शो करते हैं कि ये इंसान, अगर कोई इंसान कर्टन मतलब रूम में कर्टन से कर्टन ज्यादा है तो उससे हम इंसान को पता चल जाता है कि वो क्या उसके अंदर एक डिजायर फॉर प्राइवेसी है या फिर सिक्योरिटी है या फिर कोई नीड है टू बी सेटिस्फाइड. इस तरह से किसी बिल्डिंग का कलर देख के उसके टेस्ट का पता चल जाता है. तो यहाँ पे काफी ज्यादा उन्होंने दिए हुए हैं
फैक्टर्स जो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइट, कलर, टेम्परेचर, टेबल्स, चेयर, डेस्क, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जिससे पता चल जाता है कि यहाँ का एनवायरमेंट कैसे है। इन द वर्क प्लेस अटेंशन टू पंक्चुअलिटी और आर डिसरिगार्ड फॉर इट कैन अ स्ट्रॉन्ग नॉन वर्बल इम्पैक्ट। अगर आप इंटेंशन दे रहे हैं पंक्चुअलिटी को, जिसका मतलब है कि वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो डिसरिगार्ड कर रहे हैं आप जो है इस चीज को पंक्चुअलिटी पे तवज्जो नहीं दे रहे, तो फिर ये क्या होगा, क्या शो करेगा हमें कि स्ट्रॉन्गली नॉन वर्बल इम्पैक्ट। ठीक है, अ डिसरिगार्ड फॉर पंक्चुअलिटी में लाइक अ स्लोपी अपीयरेंस मेयरली रिफ्लेक्ट्स अ कैजुअल एटीट्यूड, हाउएवर अ डेलिबरेट डिसीजन टू कीप अ कॉन्टैक्ट वेटिंग मे बी वे ऑफ कम्युनिकेटिंग और नेगेटिव मैसेज। ठीक है, अब अगर आप किसी भी चीज में, अगर कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, अगर आप पंक्चुअलिटी से जा रहे हैं तो क्या नॉन वर्बल मैसेज हमारा जो है वो शो हो जाएगा कि आप पंक्चुअल हैं, और अगर आप पंक्चुअल नहीं हैं तो जाहिर है नॉन वर्बल मैसेज जो है वो तब भी कन्वे हो जाएगा कि आप पंक्चुअल नहीं हैं। ठीक है, व्हाइल पंक्चुअलिटी इज अ मैटर ऑफ कर्टेसी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंस वेरी बिटवीन कल्चर्स। अब कल्चर्स में जो है वो भी हमारे जो एटीट्यूड्स हैं वो वेरी करते हैं, कुछ कल्चर में कुछ एटीट्यूड्स जो हैं वो अच्छे समझे जाते हैं और कुछ कल्चर्स में वही एटीट्यूड जो हैं वो बुरे समझे जाते हैं, लोग उससे हेट करते हैं। टू बी केप्ट वेटिंग फॉर अ बिजनेस अपॉइंटमेंट इन द मिडल ईस्ट विल नॉट हैव द सेम सिग्निफिकेंस एज डिले इन सम यूरोपियन कंट्रीज वेयर पंक्चुअलिटी इज हाईली रिगार्डेड। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे जो वेट करवाना समझा जाता है कि ये जो है किसी सिस्टम की खराबी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन की खराबी है, और जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में वेट करवाने का मतलब जो है वो अपना रोल डिस्प्ले करना होता है कि यानी कि वहाँ के हमारे पास पार है और आने वाला या मिलने वाला जिसे वेट करवाया जा रहा है उसके पास पार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, द अबव डिस्कशन ऑफ सेवन एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स अ थियोरेटिकल एनालिसिस, हाउएवर टू कंसीडर ईच एस्पेक्ट इन आइसोलेशन इज आर्टिफिशियल। इन प्रैक्टिस व्हाट इज सेंट एज अ टोटल मैसेज इज क्लस्टर ऑफ नॉन वर्बल क्यूज इन एन एसोसिएशन विद द स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, अब हमें समझ आ गई है कि कौन कौन से जो नॉन वर्बल बिहेवियर है, कौन क्या क्या है, एक स्पेस है हमारे पास, दूसरा आर्टिफैक्ट्स है, और तीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, किस तरह से जो फैक्टर है वो शो करते हैं कि एनवायरमेंट कैसा है, यानी कि जो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें शो करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस कंपनी का या इस फैक्ट्री का क्या एनवायरमेंट है। उसके बाद जो है हमने पढ़ा है कि आर्टिफैक्ट्स हैं कुछ, यानी मूड हमारे, फीलिंग वगैरह, और ये सारी चीजें जो है हमें शो करती है कि इस वक्त इंसान जो है वो किस मूड में है। वो ना भी कुछ हमें एक्सप्लेन करे तो हमें पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, वो एक नॉन वर्बल मैसेज होता है हमारे लिए, किसी भी मूड का चेंज होना या फिर उसकी फीलिंग वगैरह या सेल्फ कॉन्सेप्ट वगैरह जो है वो शो अगर हो जाए। तो एक हमने पढ़ा कि प्रॉक्सिमिटी यूज ऑफ स्पेस से हमें जो है वो एक नॉन वर्बल मैसेज जो है वो हमें कम्युनिकेट हो जाता है कि किस कदर दो लोगों में स्पेस है और वो क्या होगी, ठीक है, उनका रिलेशनशिप क्या होगा। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया हुआ, एक्सप्लेन द नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग इन अ फॉर्मल सिचुएशन। फॉर्मल सिचुएशन में ये नॉन वर्बल बिहेवियर है, तो टीचर का और स्टूडेंट का हमने क्या करना है कि एक्सप्लेन करना है उनका नॉन वर्बल बिहेवियर। बॉडी मूवमेंट के लिहाज से अगर देखें तो टीचर का बॉडी मूवमेंट क्या होगा, वो इस तरह से थोड़ा होगा कि टीचर जो है वो आपको समझाना या पॉइंट आउट करेगा, और स्टूडेंट का क्या होगा, ओबीडियंस होगा, जाहिर है उसका इस तरह से सर झुकाना या फिर ये कहना आगे से इस तरह की हर मूवमेंट ना करना जिससे शो हो कि वो जो है वो ओबीडियंट नहीं है। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होंगी, टीचर जो है जाहिर है उसका क्लॉथिंग वगैरह या फिर उसके पेरेंट्स जो है वो बेटर होगी स्टूडेंट की, जो वो क्या होगी कि फॉर्मल सिचुएशन होगी इसकी। ठीक है, टचिंग बिहेवियर, वोकल क्वालिटीज में आएगा कि टीचर की पिच जो है वो थोड़ी हाई होगी स्टूडेंट की निस्बत, स्टूडेंट की जो पिच है वो लो होगी। उसके बाद यूज ऑफ स्पेस होगा, टीचर और स्टूडेंट में दोनों में किस कदर स्पेस रखनी है, ठीक है, डिस्टेंस रखना है, ये वो जरूरी चीज है। आर्टिफैक्ट्स कौन कौन से होंगे कि टीचर का मूड किस तरह का है, ये वेरी करता है कि स्टूडेंट का भी उस तरह का हो जाता है, ठीक है, जिस तरह का टीचर का मूड होता है मोस्टली ऐसा होता है, स्टूडेंट का भी वही होता है, टीचर अपनी फीलिंग या कॉन्सेप्ट वगैरह जो शेयर करे। एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो जाहिर है टीचर जो है वो स्टूडेंट या टीचर दोनों मिलकर ही कोई एनवायरनमेंट बनाते हैं,
अगर टीचर एनवायरनमेंट का एनवायरनमेंट अच्छा रखेगा तो स्टूडेंट जो है वो जल्दी सीख जाएगा ये वो। अब हमने हमारे पास है गिव योर रिस्पॉन्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस को रिस्पॉन्स देना है किसी ऑर्गेनाइजेशन की करैक्टरिस्टिक्स ये होगी तो वहाँ का एटमोसफियर अच्छा होगा तो वो हमें वो ऑर्गेनाइजेशन पसंद है, ऑर्गेनाइजेशन आई लाइक, एंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ का कैसा एटमोसफियर होगा कि डिसलाइक। ठीक है, जाहिर है एटमोसफियर गुड एटमोसफियर होगा तो लोग लाइक करेंगे, और एटमोसफियर अच्छा नहीं होगा तो पीपल जो लोग हैं वो नहीं लाइक करेंगे। यूज ऑफ स्पेस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन या प्लेसेस ऐसी होती हैं जहाँ स्पेस का ख्याल नहीं रखा जाता, यानी कि रोल्स का ख्याल नहीं रखा जाता, पावर का ख्याल नहीं रखा जाता, सब जो है वो एक दूसरे के साथ ऐसे ही कम्युनिकेशन करते हैं, तो फिर जहाँ पे यूज ऑफ स्पेस या स्पेस का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो जाहिर है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसलाइक करेंगे लोग, और जहाँ पे स्पेस का ख्याल रखा जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन को लाइक करेंगे। ठीक है, इस तरह से बाकी कुछ बिहेवियर वगैरह कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं कि कौन सी बिल्डिंग जो है वो मुझे पसंद है, कौन सी बिल्डिंग जो है नहीं पसंद, ये आपने अपने मूड के लिहाज से या अपने सेंस के लिहाज से इसको थोड़ा सा कवर करना है। ठीक है, क्लियर है या आज का जो टॉपिक है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर कहीं किसी को समझ नहीं आए तो वो मुझे बता दे, मैं थोड़ा और जो है इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, क्लियर है सबका। जहां किसी को कोई समझ नहीं आई वो मुझे बता दे, या जहां किसी को कोई इशू है। नो क्वेश्चन, क्लियर है सबका। चलिए ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक होगा आप एक दफा पढ़ लिया करें इसको। टॉपिक है हमारा ट्रेड्स ऑफ गुड कम्युनिकेटर्स। ठीक है, कौन कौन सी कम्युनिकेटर्स की ट्रेड्स होती हैं। ठीक है, इसको आप एक दफा रीड कर लें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लास में आप कोई क्वेश्चन रेज कर सकें, या जहां आपको समझ नहीं आई वो मैं थोड़ा डिटेल के साथ बता दिया करूं। चलें ठीक है स्टूडेंट, एंड करते हैं मीटिंग फिर।